तो फाइनली दोस्तों अंदर में आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे रूम है और ऊपर में टावर बना है ऊपर चढ़ने के लिए। और ये जंगल के अभी बीचों बीच में है और हमें थोड़ा डर सा फील हो रहा है। और इधर मंदिर है और यहाँ एक बोरिंग दिखा है दोस्तों, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जंगल के बीचों बीच में है और हाथियों का बहुत ही भयानक जंगल है और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों मैं अभी घर आ गया हूँ और कुछ काम था लाइसेंस का, तो मैं जसपुर जा रहा हूँ। तो दोस्तों रास्ते में हाथियों का बहुत ही बड़ा जंगल है जहाँ सबसे पहले हाथी आकर वहीं रहते थे। तो दोस्तों मैं वही रास्ते से जा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं वो जंगल दिखाऊंगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस। और अभी बीच रास्ते में हैं और अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं जंगल के यहाँ और आप लोग देख सकते हैं यही है हाथियों का जंगल, इसी में हाथी हमेशा रहते हैं यही जंगल में। और इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाता हूं बैक कैमरा से। ये देखिए ये बोर्ड है और इस पे वो हो गया है कुछ, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पे लिखा है यह क्षेत्र हाथी विचरण क्षेत्र है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं ये जंगल है और यहीं हाथी रहते हैं और हमेशा ही यहाँ हाथी रहते हैं। और जब शुरुआती दिनों में हमारे जसपुर ज़िला में आए तो यही जंगल में हाथी सबसे पहले रहे हैं और अभी भी हाथी रहते हैं। और अभी ये रास्ता है और इस जंगल को बादल खोल जंगल कहते हैं। और अभी मैं अंदर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर कैसा है। और चलिए फिर चलते हैं आप लोग, और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली जंगल के अंदर आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं जंगल के अंदर में बहुत ही बढ़िया रास्ता बना है और जंगल बहुत ही भयानक है। और अभी आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक जगह है वहाँ अंदर जाके दिखाऊंगा किस तरह का है यहाँ जंगल के अंदर। और दोस्तों बताना चाहूँगा यह रास्ता जसपुर भी जाता है और यही रास्ता से मैं जसपुर जाऊँगा। और देखिए यहाँ थोड़ा ये खाली खाली लग रहा है ये जगह और उसके आगे में बहुत घना जंगल है और यही सब में हाथी घूमा करते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ रात को जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ, और देखिए यह जंगल लगभग 7 किलोमीटर का जंगल है और बहुत ही भयानक जंगल है। थोड़ा अकेले पार होने में डर डर सा लगा रहता है।
तो दोस्तों फाइनली अभी मैं जंगल के बीचों बीच में आ गया हूँ और यहाँ एक बोर्ड लगा है, एक मंदिर है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाके देखेंगे मंदिर के यहाँ। और ये मेन रोड से इधर मेन रोड है और इधर मेन रोड से इधर लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, जंगल के अंदर में मंदिर है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ का दृश्य कैसा है। और यही है, बोर्ड लगा हुआ है मंदिर का बोर्ड। और चलिए फिर चलते हैं और आप लोगों के बोर्ड दिखाता हूँ बैक कैमरा से। ओम नमः शिवाय, शिव मंदिर, साजा पानी लिखा हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। चलो जाए, गियर बढ़ा, गियर लगा। हाँ जाएंगे, जहाँ तक जाता वहाँ तक जाएंगे, जाएंगे। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखिए यहाँ रास्ता थोड़ा ख़राब है, जंगल के अंदर है, रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। तो जैसे भी है जाने के लिए बन रहा है। और देखिए ये जंगल है, यही में हाथी रहते हैं, हमारे गणेश देवता, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग जंगल के बीचों बीच में हैं और बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, भयानक है। और यहाँ आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और देख सकते हैं यही सब में हाथी देवता घूमते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अंदर आ गए हैं, लगभग 2 किलोमीटर अंदर, और हमें डर डर सा लग रहा है। और अभी पहुंच ही गए हैं और यहाँ कुछ दिख रहा है घर सा, और देखते हैं यहाँ पहुंच के क्या है। ये देखिए घर दिख रहा है और यहाँ टावर है, बहुत ही ऊंचा टावर, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अंदर में आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे रूम है और ऊपर में टावर बना है ऊपर चढ़ने के लिए। और ये जंगल के अभी बीचों बीच में है और हमें थोड़ा डर सा फील हो रहा है। और इधर मंदिर है और यहाँ एक बोरिंग दिखा है दोस्तों, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जंगल के बीचों बीच में है और हाथियों का बहुत ही भयानक जंगल है और हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ जंगल के बीचों बीच में एक बोरिंग बना है और अभी प्यास भी लग रहा है, तो यहाँ से पानी भर के पियेंगे। तो दोस्तों अभी मैं बोरिंग को हिला रहा हूँ और इधर ये पानी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी पानी भर के अभी पियेंगे। और मेरा भाई अभी बोतल ला रहा है, ये देखिए बोतल से पानी भर रहा है। जंगल के बीचों बीच में हैं हम लोग और देखते हैं। और अभी गाइस मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ और आप लोगों को ऊपर से दिखाता हूँ जंगल। तो फाइनली गाइस मैं अभी टावर के ऊपर आ गया हूँ, सबसे ऊपर में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों ये देखिए इधर जंगल, बहुत ही भयानक जंगल है दोस्तों, बहुत डर लग रहा है। और ये देखिए उधर हमारी गाड़ी और मेरा भाई। वो देखिए दोस्तों मंदिर दिख रहा है छोटा सा, और यहाँ पूजा पाठ वगैरह बहुत होता है और भंडारा वगैरह होता है और बहुत कुछ होता है, उतना मुझे जानकारी नहीं है। वैसे यहाँ कोई मतलब पुजारी वगैरह नहीं रहते हैं और यह सुनसान जगह है। और ये देखिए दोस्तों, और अभी ये इधर मंदिर है और बहुत ही सुनसान जगह है।
आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ मंदिर है, ये जंगल के बीचों बीच में, और यही जंगल है बादलखोल जंगल। फाइनली दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं से हाथी आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ का दृश्य, और बहुत ही ऊंचा है टावर। तो दोस्तों आप लोग देख ही लिए हैं हाथियों का जंगल बादलखोल जंगल। तो अब मैं यहीं से वीडियो को अंत करता हूं। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं जसपुर, और अगर वहां समय मिल जाएगा तो मैं वहां से और ब्लॉग शूट करूंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।